तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन का रिव्यू। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये ग्लास बॉटलिंग में ये आता है इस तरीके से। और अगर आप कोई भी अफोर्डेबल और बेस्ट फाउंडेशन ढूँढ रहे हैं तो डेली बेस के लिए या वैसे भी, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। और इंडियन टोन्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें 3 शेड्स मिल जाते हैं। तो मेरे पास जो शेड है वो है 01। तो मेरे पास 01 शेड है। और बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो 280 रुपीज़ इसका, सिर्फ 280 रुपीज़ इसका प्राइसिंग है। और आप इसको किसी भी साइट से, काफ़ी सारी साइट्स हैं, मिंत्रा, अमेज़ॉन, पर्पल, नायका, फ्लिपकार्ट, जहाँ जहाँ आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं आप वहाँ उस साइट से आप इसको अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ इसके बाद भी, जी हाँ, 280 रुपीज़ तो ये इसका ये से मेंशन हो रखा है, बट उसके बाद भी आप इसको अच्छे खासे डिस्काउंट के बाद ले सकते हैं। और फ्रेंड, इसमें आपको ये SPF 8 के साथ आपको ये मिलता है। SPF 8 के साथ साथ ये वाटर बेस्ड भी है। और इसको यूज़ करने से पहले आप इसको शेक जरूर कर लेना, उसके बाद ही आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करना। और फ्रेंड, ये 25 ml की पैकेजिंग में आपको मिलता है। 25 ml है ये। और इसमें आपको 2 साल की, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट इसमें जो दे रखी है, ये जब मैंने परचेस करा था 2020 से लेके 2022 तक, इसमें तो ये काफ़ी टाइम चल जाता है अच्छा खासा। और फ्रेंड्स, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसमें कुछ इस तरीके से स्टिक मिलती है जो उसमें अटैच्ड होती है, आप इससे इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन में, फेस पे, आप इसको कहीं पे भी, जब भी आप इसको अप्लाई करें तो आप स्टिक से इसको इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा, मेरे को उसमें ये चीज़ की ख़राब लगी, तो जिसमें जो ये स्टिक है निकलती तो नहीं, पर लगता है कि इससे निकल जाएगी, ये थोड़ा सा फ्लैक्सीबल है, बाकी ये अच्छा है। इसकी रेंज के अकॉर्डिंग ये काफ़ी बेस्ट है और ईजीली स्प्रेड भी हो जाता है, देखिए। और फ्रेंड्स, ये ट्रैवलिंग फ्रेंडली भी है, आप इसको कहीं पे भी इजीली आप लेके जा सकते हैं। ग्लास बॉटलिंग तो है, बट ग्लास इसका काफ़ी मोटा है, ऐसा नहीं है पतला है, ग्लास भी इसका काफ़ी अच्छा खासा हैवी ग्लास है, तो इसको आप कहीं पे भी, आप अपने साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हैं इसको। और फ्रेंड, मैं आपको एक बात और कहूँगी, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसको आप कभी भी, आप इसको मेकअप ब्रश से कभी भी आप इसको अप्लाई मत करना अपने फेस पे। वो इसलिए क्योंकि उससे पैचीनेस, मतलब बिल्कुल जो इसका जितना, मतलब आपके फेस पे लगा के, ये ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से आप इसको लगाएंगे अपने फेस पे, उससे जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो ब्रश की हेल्प से नहीं मिलेगा। तो आप इसको या तो अपने हाथों से अप्लाई कीजिए और या फिर आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कीजिए अपने फेस पे, ब्रश से मत करना फ्रेंड्स को आप अपने फेस पे अप्लाई। आप जब इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपके स्किन में एकदम फ्लॉलेस, आपको स्किन, आपके स्किन टोन एकदम फ्लॉलेस हो जाएगा। आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं अपने फेस पे। और ये ऑल स्किन टाइप से कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। आपके फेस में जितने भी पिंपल्स के निशान होते हैं ये उनको भी सबको कवर कर देगा। तो देखिए, मैं उसको अभी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैंने अभी आई मेकअप करा है, बट बाकी मैंने फेस को वॉश करने के बाद अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा रखा है, जिससे फेस में बिल्कुल भी ड्राइनेस ना रहे। और इसके अलावा मैंने भी कुछ नहीं लगाया है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं अपने फेस पे मैं खुद का बनाया हुआ प्राइमर अप्लाई करूँगी। ये मैंने खुद से बनाया था, आपको मेरी पुरानी वीडियो में इसका वीडियो मतलब मिल जाएगा कि ये किस तरीके से मैंने DIY करा है। तो ये देखो, मैंने थोड़ा सा लिया था और इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। जी, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, थोड़ा सा ही लेके इनफ हो जाता है। इसको आप अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कीजिए इस तरीके से। तो मैंने ये लगा लिया है प्राइमर, देन प्राइमर बहुत अच्छा है ये, आप खुद से इसको DIY कर सकते हैं, बहुत बेस्ट लगा मेरे को ये। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे मैंने प्राइमर लगा दिया तो आप इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट इसको रेस्ट पे छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो गया मेरे को, मैंने इसको जो मैंने प्राइमर लगाया था मैंने 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो अब देखिए मैं इसकी कितनी क्वांटिटी ले रही हूँ, ये देखो, ये मैंने अपने हाथ पे ले लिया, सिर्फ इतना सा लिया है देखो मैंने, ये देखो। अगर आप अफोर्डेबल रेंज में फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कर ले सकते हैं ज़रूर।
आपके पास और भी फाउंडेशंस हो, पर ये एक आप ऑप्शन में अपने पास कभी कभी के लिए ट्राई करने के लिए आप अपने पास रख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से डॉट डॉट लगा के इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। तो फ्रेंड मैंने ये डॉट डॉट अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मैंने ये अपना ब्यूटी ब्लेंड को काफ़ी टाइम से पानी में डिप कर रखा था, देखो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब मैं इसकी हेल्प से इसको डैब डैब कर करते हुए अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई करूँगी। और देखो मैंने कितनी कम क्वांटिटी ली थी और कम क्वांटिटी के बाद कितने अच्छे से फुल कवरेज आपकी स्किन को ये देता है। इसको आप, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप इसको ज़रूर ले यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से कवरेज दे रहा है, आपके जितने भी पिंपल्स के जितने भी निशान होंगे ना, या स्किन में पिगमेंटेशन जैसे हो जाती है, कोई भी निशान आपके फेस में होते हैं तो अच्छे से कवर कर देता है उसको ये। देखिए ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से तो बहुत ही ईजीली ये आप अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरे स्किन में इवनली स्प्रेड हो गया है, और मैंने कितनी कम क्वांटिटी ली थी, ज़्यादा भी नहीं ली थी। ये देखिए बहुत अच्छे से फुल कवरेज दिया है इसने, बहुत बेस्ट। तो देखिए रिजल्ट आपके एकदम सामने है, स्किन कितनी ग्लोइंग भी लग रही है और कितने अच्छे से इसने इवनली कितनी जल्दी स्प्रेड हो गया है मेरे फेस पे ये। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप जब भी अपने फेस पे इस फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं उसके बाद आप क्या करिए, कम से कम SPF 40 या SPF 50 का आप कॉम्पैक्ट अपने फेस पे ज़रूर इसके बाद अप्लाई कर लेना। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको सनरेज से ही आपको बचाएगा, आप बाहर हो चाहे अंदर हो, बिकॉज आप सनस्क्रीन अपने फेस पे यूज़ करते हैं। तो सनस्क्रीन अगर आप हम अपने फाउंडेशन से पहले अगर हम सनस्क्रीन अप्लाई कर लेते तो उससे क्या होता है ना, हमारे फेस में एक के बाद एक हम पहले मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और फिर हम प्राइमर लगाते हैं, फिर हमें उसके बाद हम अगर सनस्क्रीन भी लगा लेते तो बहुत सारी लेयर्स आ जाती फेस पे। तो उससे क्या होता है, बहुत आपका जो मेकअप होता है वो बहुत केकी सा लगने लग जाता है और बहुत पैचीनेस से मतलब बहुत जल्दी आ जाती है उसमें। तो आप पहले सनस्क्रीन मत लगाइए, आप फाउंडेशन लगाने के बाद कॉम्पैक्ट लगा लीजिए, SPF 40 या 50 कोई भी ले लीजिए, आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट लेके आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो आई होप आपको मेरा आज का लैक्मे फाउंडेशन का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय।